नाउ लाइव हर जुर्म का विधानसभा 357 क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण प्रकाश ने अपने विधानसभा में लोगों से जनसमर्थन के साथ साथ आशीर्वाद मांग रहे थे कि वही कुछ सवर्णों ने भी गगनभेदी लगाया नारे, विरोधी वाले जुटता हाथी वाला जुटता। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक केदारनाथ वर्मा के गांव चंदाडीह में जहां की प्रवीण प्रकाश ने अपने को विधानसभा क्षेत्र का बेटा बताया और मतदाताओं से बेटा के लिए आशीर्वाद मांगी तथा विकास ही मुख्य उद्देश्य होगी बिना भेदभाव के, जिससे हर गांव गली खुशहाली होगी, मरीजों के लिए बलिया और मऊ नहीं जाने होंगे, सबसे पहले बीमारी की इलाज के लिए बेलथरा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगी तथा वही ग्राम पंचायत खंडवा प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र बेलथरा रोड में बाहरी और भीतरी की लड़ाई होगी, जो कि जब हम अपना विधायक बनाएंगे तभी पूरे क्षेत्र और महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर विकास का कार्य कर दिखाई देगा, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण प्रकाश ही विधानसभा के बेटे हैं और सभी लोग बाहरी, जिससे जनता में इनके ऊपर भरोसा है, जिससे विधायक ये बनने जा रहे हैं और बाहरी प्रत्याशी चुनाव हारने के बाद विधानसभा क्षेत्र में दिखाई भी नहीं देने वाले हैं। वाला हूँ, मेरा समर्थन बहुजन समाज पार्टी के प्रवीण प्रकाश को है। हम देख रहे हैं कि आज अपने साथ जो है कि पूरे कद्दावर जो हमारे छत्री समाज के लोग हैं उन लोगों का अपने के साथ चल रहे हैं, इनके आखिर में क्या कारण है? इनकी अच्छाई दिख रही है, नौजवान है और इसी जन विधानसभा के रहने वाले हैं और सारे जो भी लड़ने वाले हैं बाहरी विधानसभा के रहने वाले हैं, बाहरी और भीतरी की लड़ाई है। सब लोग अपने घर देखते हैं, यानी कहीं आप अपने घर के हैं या अनुभव इनका अच्छा है? अनुभव अच्छा है और सब लोग बाहरी हैं आपके लिए, तो क्या कितने वोटों से लग रहा है कि आपके प्रवीण कौन जीतेंगे चुनाव? जीत तो सुनिश्चित है, अब कितने वोटों का अंतर होगा? तो अभी पुराने इस क्षेत्र के इलाके के वो हैं, मशहूर व्यक्ति हैं और आपका अनुभव जो बहुत पुराना है, आप बहुत पूर्व पहले समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, भाजपा में रहे हैं और लग रहा है कि प्रवीण प्रकाश के भी साथ में भी आप रहे हैं, क्या साबित लग रहा है आपको? नहीं, साबित तो ठीक है, निश्चित है कि जीत तो निश्चित है, अब कितने वोटों से अंतर होगा अभी तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस समय अपने जो है कि 357 विधानसभा क्षेत्र में आपका ये पूर्वांचल का पहला गांव भी है और लगभग ये आपके बीएसपी के पूर्व विधायक का निजी गांव है, आखिर में आप किस मुद्दा से आए हैं जो कि बड़ा ही आपके मौजूद हैं, इसमें दलित बस्ती में मौजूद हैं, किस मुद्दे से चुनाव, क्या आपका विचार है बताएंगे आपको? नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण प्रकाश है, मैं बेलथा रोड विधानसभा 357 से चुनाव लड़ रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी से। देखिए, मेरे जो मुद्दे हैं, मुद्दा साफ है, विकास, केवल और केवल विकास, क्योंकि 2012 में जब मैं चुनाव लड़ा था और तब से लेकर अभी तक विकास कार्य कुछ हुआ नहीं। जो उस समय जो परिस्थिति थी इस बेलथा रोड विधानसभा की, वही स्थिति परिस्थिति आज भी बनी हुई है और इसीलिए मेरा जो मेन मुद्दा है वो यही है, विकास, विकास और सिर्फ विकास, और जनता का मान सम्मान, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, यही मेरा मेन उद्देश्य है। कुर्रा से लेकर केरापुर तक आपका क्षेत्र आता है जो कि विधानसभा बड़ा ही क्षेत्र या आपका सुरक्षित रहा है, लगातार आपका लगभग तीसरा बार आप मैदान में हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आपके समाज के अलावा भी आपको मत मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल मिल रहे हैं, मेरे समाज के अलावा सारे समाज का मुझे मत मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, क्योंकि मैं इसी बेलथा रोड विधानसभा के रहने वाला हूँ, इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, इसी मिट्टी का हूँ। आपको क्या साबित लग रहा है कि इस चुनावी मैदान में जो समर चल रहा है इसमें किससे आपकी लड़ाई होगी? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, जो भी लड़ रहा है वो हमसे लड़ रहा है। देखा जा रहा है कि 13 प्रत्याशी आज मौजूद हैं जिसमें कि दलित परिवार से सब लोग आए हैं, सुरक्षित है, उसमें मात्र एक कलौंजिया है, गंगा कलौंजिया, इसके अलावा सब लोग आपके राम से ही रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपके वोट से कुछ सेंध मारने का काम कर रहे हैं क्या लोग? नहीं, कोई सेंधमारी नहीं हो रही है, पब्लिक का पूरा मूड बन चुका है, पब्लिक बिल्कुल अपने खुले समर्थन से मुझे समर्थन देने जा रही है, खुले हाथों से समर्थन देने जा रही है, आशीर्वाद पब्लिक का मिल रहा है और कोई सेंधमारी नहीं। कुछ लोग ये कहना है कि 13 में से मात्र एक आप ही ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि विधानसभा के निवासी हैं, जी इसे क्या साबित लग रहा है कि आपका पूर्ण बहुमत आपके हाथ में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, इस क्षेत्र का होने के नाते जनता का प्यार और स्नेह मिल रहा है और जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अपना परिचय बताएं प्रधान जी। मैं ओम प्रकाश सिंह, ग्राम